Hello, dear students. A very good evening to all of you. Good evening, everyone. कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए जुड़ जाइए मेरे साथ आज के इस सेशन में जो हमारा चल रहा है, क्या मार्गदर्शन सीरीज। मार्गदर्शन सीरीज लाने का मेन पॉइंट क्या है? आपको जीडीसी के सारे फैकल्टी मेंबर से रूबरू कराया जा रहा है और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं, टीचर्स कैसे उसको पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट किसमें कैसे पढ़ाया जाएगा, आपको एक उन सारी चीजों से मिलवाने का मेन हमारा कंटेंट यहाँ पे होने वाला है। और उसी सीरीज में एज लाइक आप सभी को मैं कंफर्म कर दूं, जो हमारा जीडीसी प्राइम का कोर्स होता है, उस जीडीसी प्राइम में मैं आपको तीन सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। मेजर हमारा फार्माकोलॉजी आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो मैं आपको लेके चलता ही हूं। साथ में दो सब्जेक्ट और भी माइनर के चलते हैं मेरे द्वारा, जिसमें एक आता है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस और दूसरा आता है क्या, बायोकेमिस्ट्री। क्योंकि अगर मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को कंबाइंड करके आपसे बात करूं ना, तो ऑलमोस्ट लगभग 40 क्वेश्चंस यहां से कवर हो जाते हैं। और ये मेरा पूरा कोशिश रहता है और आपसे ये प्रॉमिस भी होता है कि जीडीसी प्राइम में आपको ये तीन सब्जेक्ट इतना प्यार, सारे सब्जेक्ट सारे टीचर पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाते हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को जो मैं आपको लेके चलूंगा, इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। टारगेट मेरा यही रहता है। सो आई होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी होगी और कहीं ना कहीं आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करके चल दिए होंगे। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या होता है, समय। और दुनिया में एक ही चीज ऐसा है जो सभी के पास इक्वल दिया है ऊपर वाले ने, बिल्कुल, और वो है क्या, समय। अगर आपने अपने समय का सही उपयोग किया, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके राइट डायरेक्शन में अगर आपने चल दिया अपने टाइम को यूटिलाइज करके, तो शायद आपका कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपने सही टाइम को उपयोग नहीं किया, तो शायद वहां पे आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने डायरेक्शन से भटक जाएंगे। और वही कोशिश यहां पे रहती है ताकि आप सभी को चीजों को टाइम पे सिलेबस कवर कराना, जीडीसी प्राइम में 100% सिलेबस कवर कराना, ये हमारा गारंटी रहती है। इस बार जीपैक मैराथन होगी, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया है, काफी सारे बच्चों से जो मैंने बात किया तो सबका कमेंट यही आ रहा है कि सर अभी एक रिवीजन हमारा हो जाने दीजिए, एक बार हमारा रिवीजन हम पर्सनली कर लेंगे, उसके बाद जब आप जीपैट मैराथन सीरीज स्टार्ट करेंगे तो शायद उससे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। करेक्ट है? तो थोड़ा सा वेट करिएगा, बहुत जल्द आपको अगेन मैं बात करूं तो देखने को मिलेगा क्या, जीडीसी मैराथन क्लासेस फॉर जीपैट 2023। और हाँ, ये जरूर आपको प्रॉमिस है कि जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं ना, पिछले मैराथन से इस मैराथन में पूरी तरह अलग मिलेंगे, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और वो सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। बेटा ये सीरीज आपका एक, मैं ये बोल सकता हूं, जीडीसी प्राइम का डेमो क्लासेस है, आप उनके थ्रू चल सकते हैं इन पे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। वैसे एज आई नो आप सबका क्या रिस्पॉन्स है मुझे जरूर बताइएगा। फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस ड्यूरिंग माई बी फॉर्म, जब मैं 2008 के आसपास जब बी फार्मा कर रहा था, उस समय ये था ना मेरे लिए पर्सनली सबसे ज्यादा टफ सब्जेक्ट, या सबसे ज्यादा टफ ना बोलूं, बोरिंग सब्जेक्ट होता था मेरे लिए ज्यूरिसप्रूडेंस। आई होप उस ज्यूरिसप्रूडेंस में आपको इंटरेस्ट ला सकूं और आपका इंटरेस्ट के साथ में आपको मेजर चीजें मैं पढ़ा सकूं, यही मेरा वहां पे टारगेट रहता है। करेक्ट है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसी प्रॉमिस के साथ। आज हम बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस की बात आती है, जरा एक दो वर्ड यहां पे पहले कंफर्म कर लेते हैं। ज्यूरिसप्रूडेंस का मतलब क्या होता है? ज्यूरिसप्रूडेंस में दो चीजें हमारी मेजर आती हैं। फर्स्ट वन इज द इथिक्स, सेकेंड वन इज द लॉ। ये इथिक्स और लॉ में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। और अगर जब हम इथिक्स की बात करते हैं, इथिक्स की बात करते हैं, तो इथिक्स का मतलब क्या होता है? सपोज जैसे आपसे कहा जाता है कि भाई आपको लाइफ में, दुनिया में इंसानियत दिखानी चाहिए, जानवर है तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको खिलाना चाहिए, अगर कोई भूखा है तो उसको कपड़ा दे दो, खाना दे दो, ये कहता है, ये क्या है,
अगर आपने नहीं किया तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन आपका ये इथिक्स है कि हां हम एक इंसान हैं तो दूसरे इंसान या जानवरों की मदद करें, वो इथिक्स कहलाता है। इथिक्स नहीं फॉलो करोगे तो पनिशमेंट नहीं है। और दूसरा आता है लॉ। लॉ में क्या है कि अगर आपने लॉ को फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। और हां यही आपको लास्ट एमपीडीआई में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट पनिशेबल अंडर द फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस, और आपका आंसर वहां पे इथिक्स का ही था। तो चलिए उसी से शुरुआत करने वाले हैं। हमने पहला यहां पर बोला क्या, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में बहुत सारे यहां पर आपके लॉज आते हैं, बहुत सारे एक्ट आते हैं, और उन एक्ट में आपको सबसे पहला पॉइंट देखने को मिलता है जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आप जीपैट की बात करोगे, चाहे आप प्राइम की बात डीआई की बात करोगे, चाहे आप फार्मासिस्ट की बात करोगे, हर जगह इस फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अगर इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहला आता है डिफरेंट एक्ट के ईयर, और वो एक्ट के ईयर आपको जरूर पता होने चाहिए। चलिए तो सबसे पहले यहीं से हम शुरुआत करने वाले हैं, क्या हमारे एक्ट के कौन कौन से हैं और उनके ईयर कौन कौन से होने वाले हैं, शुरुआत यहां से करेंगे, बेसिक से चलेंगे और सबसे पहले से शुरुआत करेंगे। तो कुछ एक्ट तो ऐसे हैं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, या हम बात करें हमारा नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, पेटेंट एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, बहुत सारे एक्ट आप फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में पढ़े होंगे और उन्हीं के ईयर से यहां पे बातें शुरुआत हो रही हैं। ओके तो शुरुआत करें, तो हमने पहला यहां पे बोला, शुरुआत हमारी देखो क्या है, हमने बोला डिजाइन एक्ट। अब डिजाइन लाइक कोई भी फोन होता है, कोई भी आपका सामान होता है, तो उसका एक प्रॉपर डिजाइन होता है, और वो डिजाइन डिजाइन एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर ली जाती है कि आप उसको कॉपी नहीं कर सकते हो, और अगर कॉपी करोगे तो आपको उसमें पनिशेबल ऑफेंस हो सकता है, आपको पनिशमेंट हो सकती है। तो डिजाइन एक्ट हमारा कब आया, 1911 में आया। कब आया हमारा ये एक्ट, 1911 में आया। एंड अगर बात करें, हमारा 1911 में आ गया था, उसके बाद हमारा ये पूरी तरह से इंडिया में लागू नहीं हो पाया था, और इंडिया में हमारा ये लागू हुआ 11th मई 2001 की बात करेंगे, हमारा ये लागू हो गया, इंडिया में प्रॉपर लागू हुआ। खैर डिजाइन एक्ट पे बाद में आएंगे। पॉइजन एक्ट 1919 में हमारा पॉइजन एक्ट आया। लेकिन अगर आप पॉइजन एक्ट को थोड़ा सा और इलिबरेटेड वे में चलना चाहोगे तो शुरुआत यहां पे कई सारी चीजें होंगी, लेकिन अभी आप बोलेंगे पॉइजन एक्ट हमारा कब आया, इन द ईयर ऑफ द 1919 3rd September। जी हाँ, सितंबर में कई सारे एक्ट लागू हुए हैं, अप्रैल और सितंबर से मिलते जुलते आपको काफी देखने को मिलेंगे। तो 3rd September को 1919 में हमारा पॉइजन एक्ट आया, जिसमें ये डिफरेंट बताए गए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कम्स अंडर द पॉइजन विच शुड नॉट बी टेकन बाय एनी पर्सन और विच शुड बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन और गाइडेंस के अंतर्गत ही लिया जाएगा, वहां पर वो सारी चीजें आती है। नेक्स्ट ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और यहां पे दो टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और मेरे स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बोला जाता है व्हेन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट केम्स, तो आप तुरंत आंसर करोगे 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया। लेकिन अगर आपसे बात किया जाए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के रूल्स कब आए, तब आप बोलोगे 1945 में बोलोगे, और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10th अप्रैल 1940 में आया। 1940 में आपका 10th अप्रैल 1940 को आपका यहां पे एक्ट आया और रूल्स इसके 1945 में आए। आज आप सभी लोग बीफॉर्म किए हैं तो आपका कॉलेज में भी AICTE अप्रूव्ड रहा होगा, या अगर हम AICTE की बात करेंगे, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे, कई बार ये पूछा जा चुका है, AICTE एक्ट कम्स इन 1987, क्योंकि उससे पहले टेक्निकल एजुकेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता था। तो टेक्निकल एजुकेशन 1987 जब हमारा AICTE आया तब यहां पे हमारा लागू हुआ, तो कब हुआ, 1987 में इनएक्टेड हुआ, लेकिन आया कब था, 1945 में हमारा AICTE एक्ट आया था। लेकिन हमारा मेन क्या है, कम इन फोर्स, दो वर्ड आते हैं, कम इन फोर्स मतलब लागू कब से हो गया, और जब लागू हो गया, मैं कराऊंगा बेटा स्क्रीनशॉट, पहले सुन लो मेरी बात, उसको हम क्या बोलेंगे, AICTE एक्ट हमारा 1987 में। फार्मेसी एक्ट,
फार्मेसी एक्ट हमारा 1948 में आया, आजादी के जस्ट एक साल के बाद। तो हमने क्या बोला, फार्मेसी एक्ट 4 मार्च 1948। ये डेट दो ही जरूर याद रखिएगा। कौन कौन सा मैंने आपसे बोला, पहला मैंने बोला ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10 अप्रैल 1940 बोला, और दूसरा हमारा फार्मेसी एक्ट वो आया कब, 4 मार्च 1948 को हमारा फार्मेसी एक्ट आया। नेक्स्ट, बहुत सारे एक्ट है लेकिन लिटिल बिट इनके ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा, इंपॉर्टेंस वाले को मैं जरूर टिक करते जाऊंगा आपको यहां से, जिससे क्वेश्चन देखने को मिलता है। फार्मेसी एक्ट, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आज की डेट पे शॉप खुलती है, सारी एस्टेब्लिश हो जाती है, बहुत सारी चीजें वहां पे आती है, लेकिन अगर हमने बोला क्या शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करेंगे तो हमारा कब आया, 1948 में। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जितनी शॉप्स रन होंगी उनको, अब इसमें शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में ही हमारा आता है, और इसी से रिलेटेड हमारा फैक्ट्री एक्ट भी है, वो भी 1948 में है और इनएक्टेड हो गया, कम इन फोर्स हो गया 1 अप्रैल 1949। देखो इनमें दोनों में सबसे ज्यादा जरूरी चीज, कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों एक्ट में, पहला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉट इज द टाइमिंग ऑफ द वर्किंग फॉर द एडल्ट मेल फीमेल और चाइल्ड, सबके लिए अलग अलग टाइमिंग दिया गया है। ओके सर, कोर्स लाइव क्लास करने के लिए कुछ ले आए विदाउट मॉड्यूल बुक, हैं जी बेटा, फार्मम मकुआ, चलो आपके लिए है, अगर आपको मॉड्यूल्स नहीं चाहिए तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, और विदाउट मॉड्यूल्स विदाउट क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो, लेकिन आप जो ये प्राइस पे आते हो ना, जब जेडीसी अपने कंटेंट पे आता है ना, तो बेटा कंप्लीट कंटेंट की बात होती है, आपको आज मैं सिर्फ मॉड्यूल्स बिना दिए क्लास तो आपको चाहिए तो मिल जाएगा, लेकिन जब विदाउट मॉड्यूल्स आप जाते हो, अच्छी बात है आप मत लीजिए, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि नहीं यार मॉड्यूल्स से हमें नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी, उतना हमें मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तो ये चीजें होती हैं। आप दोनों ऑप्शंस कांटेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट नंबर जो दिया गया है, विदाउट मॉड्यूल्स और बुक्स के भी आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, द इंडस्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्री एक्ट की बात करेंगे, ये हमारा 1952 में, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज यहां पे आता है क्या, ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट के नाम से इसको हम बोलते हैं, मींस कौन कौन से ऐसे एडवर्टीजमेंट हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं और कौन से ऐसे हैं जो ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, इसको डिफाइन किया गया अंडर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। मैजिक रेमेडी मींस एनी टाइप ऑफ द तंत्र मंत्र कवच तिलिस्म भस्म, ये सारी चीजें हमारी मैजिक रेमेडीज में आती है। एंड अगर हम मैजिक रेमेडीज एक्ट की बात करते हैं, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, तो 1954 में हमारा ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट आया, 1 अप्रैल 1955 को ये इनएक्टेड हो गया, आया 1954 में और 55 में इनएक्टेड हो गया। प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, सारे एक्ट की बात करूंगा बेटा, 1954 में ये भी आया और 1955 में, देखो ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज और प्रिवेंशन ऑफ द फूड एडल्ट्रेशन दोनों एक ही ईयर में है, दोनों हमारे 1954 में है। इंडस्ट्री एक्ट 1952 में, उससे पहले हमने बोला फार्मेसी एक्ट 1948 में, उसी ईयर में 48 में ही हमारा आया था, दो और कौन कौन से, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड फैक्ट्री एक्ट आया था, उससे पहले हमारा आया था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये सीक्वेंस दिया गया है, ईयर वाइज दिया गया है, आप उन सारी चीजों को लेके चलेंगे। चलिए मैं एक बार स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम दे जगह दे देता हूं, आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़े, अब 1954 तक हम चल दिए हैं, अब उसके आगे की बात करते हैं। 1958 में हमारा आया ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, मार्क एक्ट, तो जो आज की डेट में होता है ना, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ट्रेड किया जाता है, ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट हमारा कब आया, 1958 में, और 1959 में वो हमारा लागू हो गया। प्रिवेंशन ऑफ द क्रुएलिटी टू द एनिमल्स एक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार पूछा गया है, 1960 की बात करोगे, 1960 में हमारा ये एक्ट आया और रूल्स आए 1998 में। अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन नॉट डू द क्रुएलिटी टू द एनिमल्स, जैसे आप अगर घर में भी कुत्ते बिल्ली पालते हैं ना, तो अगर जब आप उनको पाले तो उनको बहुत अच्छे से ध्यान देके उनको क्लियर केयर करके रखना पड़ेगा, और वो चीजें हमारी यहां पे होंगी, करेक्ट है, जो मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ उनको आप थोड़ा सा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंसेक्टिसाइड एक्ट, हाँ जी 1968, ये हमारा उसी समय का है। नेक्स्ट, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1970, अगर आप जीपैट वाले हो तो जो मैं बोल रहा हूं छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप डीआई वाले हो ना,
कोई भी एक्ट को छोड़ना नहीं, कोई भी एक्ट मत छोड़ना। डीआई के लिए खासतौर पर यह ध्यान रखते चलिएगा, पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट एक्ट 1970 में हमारा आया और उसी के जस्ट एक साल के बाद हमारा आया क्या, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी एक्ट, दैट इज द एमटीपी। कौन सा आएगा, एमटीपी की बात होगी। तो हमने बोला क्या, हमारा पहला है दैट इज द क्रुएल्टी टू द एनिमल्स 1960 में, हम एक हमने क्रुएल्टी टू द एनिमल्स हमने 1960 बोला। नेक्स्ट हमारा पेटेंट एक्ट 1970 बहुत इंपॉर्टेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या, मेडिकल एंड टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी 1971 काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारी जो लेबोरेटरीज होती है जहां पे कोई भी एल्कोहलिक प्रिपरेशन वाले सीरप कैप्सूल बनते हैं, वहां पे जहां भी अल्कोहल यूज किया जाता है या हम बोले जहां भी हमारे नारकोटिक सब्सटेंस यूज किए जाते हैं, वो दो टाइप की लेबोरेटरीज होती हैं। एक होती है क्या, बॉन्डेड लेबोरेटरी और दूसरी होती है क्या, हमारे नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। बॉन्डेड लेबोरेटरी मींस जहां पे एक्साइज ड्यूटी पेड नहीं किया गया, आप गए और वहां से परचेज करके लेके चले आए विदाउट एक्साइज ड्यूटी, दैट इज द बॉन्डेड लेबोरेटरी। एंड वेयर द एक्साइज ड्यूटी आपने पेड कर दिया, वो नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी होगा, वो आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में आता है 1955 में आपका मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया और उसके जो रूल्स है हमारे 1956 में आए। नेक्स्ट, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब आपको हर पेपर में एक दो क्वेश्चन इस एक्ट से मिलने ही मिलने हैं कि हमारे डिफरेंट डिफिनीशन क्या होती है। यस सर, उसे छोड़ सकते हैं क्या डी एग्जाम के लिए सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, हमने यहां पे क्या बोला, हमारा नारकोटिक ड्रग एंड सब्सटेंस एक्ट 1985 14th November, इसको जरूर याद रखिएगा। क्यों 14th November हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चिल्ड्रंस डे। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रंस डे, देन इट कम्स ऑन द 14th November एंड उसी दिन ये एक्ट आया। कौन सा, नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, दैट मींस 14th November 1985। नेक्स्ट हमारे आते हैं कुछ और एक्ट है, सारे एक्ट को यहां पे इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे एक्ट आया द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड रूल। आप आज की डेट पे कहते हो ना कि हाँ, अगर आपको कोई प्रोडक्ट खराब मिल गया तो आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेन कर सकते हैं। ये क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक बनाया गया एक्ट, दैट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आपका एक्ट बना और उसके रूल्स 1987 में आए। ओपीएम एक्ट, बहुत पहले चले जाइए, सन 1857 में जब हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, हम 1857 की बात करेंगे। 1857 ईयर में हमारा सबसे पहला, जो बोलते हैं ना कि हाँ उस समय पहला स्वतंत्रता संग्राम किया गया था मंगल पांडे सर के द्वारा वहां पे, वो तो वही वाला ईयर याद रखना, आपका ओपीएम एक्ट आ जाएगा, वहां से आपको याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, डेंजरस ड्रग एक्ट। ओपीएम एक्ट का ही मॉडिफाइड वर्जन है डेंजरस ड्रग एक्ट, जो 1931 में हमारा आया, 1930 में हमारा आया डेंजरस ड्रग एक्ट। और इसी डेंजरस ड्रग एक्ट का और एक मॉडिफिकेशन बनके आया नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट इन द ईयर ऑफ द 1985। तो ये तीनों चीजों को याद रखें, क्या पहले मैंने आपसे बोला, क्या पहला आपसे आया ओपीएम एक्ट 1857, दूसरा हमारा डेंजरस ड्रग एक्ट 1930 एंड नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट मॉडिफाइड वर्जन हमारा आया कब, 1985 में बात करेंगे। चलिए, केडी त्रिपाठी कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए पूरा एक लेक्चर ही मेरा अलग से होगा, उसको वेट करिए, जल्दी ही होगा, आपको पूरा बुक पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट मींस मिनिमम कितना सैलरी मिलना चाहिए, कितनी वेजेस होनी चाहिए, इसके लिए भी एक्ट बनाया गया है, मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमारा 1948 में है। ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, किसी भी ड्रग का जो प्राइस होता है उतना कितना कंट्रोल किया जाता है, कितना रेगुलेट किया जाता है, तो वो ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, वैसे तो 1995 लेकिन आप इसको 2013 भी याद रख सकते हैं, एक्चुअली अलग अलग टाइप से है, 1995 2005 एंड हम बात करते हैं 2013 में हमारा रिसेंट मॉडिफिकेशन एंड आरटीआई, जैसा आपने बोला 2005, इनको जरूर एक बार टचअप कर लीजिएगा। देखो इसमें मुझे कोई ईयर
याद कराने के लिए कोई खास ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं, समझ में आई? तो आपको मैंने सारे एक्ट के ईयर इसीलिए एक जगह मैंने आपको समराइज करके दे दिया है। अब हमारा मेन आज का कंटेंट मैं शुरू करने जा रहा हूं, जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। और आज जाऊं शुरुआत करने, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी मार्गदर्शन सीरीज चल रही है 26 जनवरी से 4 फरवरी तक ये हमारा चलेगा, और इसका पूरा शेड्यूल आपको सब्जेक्ट वाइज यहां पे मिलेगा। और हां, जो भी सब्जेक्ट आप आज दे रहे हो, टेस्ट पढ़ रहे हो ना, उसी नेक्स्ट डे उसका डेली प्रैक्टिस पेपर आपको मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको डाउन साइड में बैचेस सेक्शन आता है, और बैचेस सेक्शन में जब प्लस के साइन पे क्लिक करोगे ना, आपसे पूछेगा कोड, आप कोड डालिएगा डेमो डीपीपी, आपको मार्गदर्शन बैच में ऐड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट डे इसका राइट टू इन्फॉर्म मींस आप इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, राइट टू इन्फॉर्म, दैट इज द आरटीआई बोला जाता है। मेजर यही 26 एक्ट है जो आपको पढ़ने हैं। चलिए शुरू करें आज का। आज हम बात करने वाले हैं क्या, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मेनली। क्यों? क्योंकि पूरा हमारा फार्मेसी इसी एक्ट से जुड़ा हुआ है। आप इन फ्यूचर चाहे आप इंडस्ट्री जाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या ड्रग की सेलिंग करेंगे, या हम इंपोर्ट करेंगे, मतलब कोई भी चीज है, कौन सा उसमें केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऐड किया जाएगा, कौन सी कलरिंग ऐड की जाएगी, मतलब हर एक चीज आपके यहीं से रिलेटेड होने वाला है। तो इसी को हम शुरुआत करने वाले हैं। चले शुरुआत करते हैं। तो हमने बोला क्या, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की बात करते हैं। दिस इज द एक्ट कम्स अंडर द इन द 1940 एंड इसके जो रूल्स आए 5 साल के बाद 1945 में आए। एंड अगर हम बात कर रहे हैं हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 10 अप्रैल 1940 को हमारा ये इनएक्ट कर दिया गया, और इसका कई सारे अमेंडमेंट किए गए 1955 में 66, क्योंकि क्या है, लगातार आपकी ड्रग बदल रही है, लगातार आपके रिएजेंट बदल रहे हैं, लगातार आपके कलरिंग एजेंट बदल रहे हैं, लगातार आपकी वैक्सीन वगैरह ऐड हो रही है, तो अमेंडमेंट लगातार किए गए, तो डिफरेंट अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं लगातार 2018 में, इवन रिसेंट अभी 2021 में भी किया गया है आफ्टर द कोविड। तो इसलिए यहां पे हमारा ये आता है डिफरेंट अमेंडमेंट्स, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहला पॉइंट यहां पे समझने की कोशिश करिएगा, हमारा जो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ना, जरा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सुनिएगा, हमारा जो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, इस ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में हमारे दो शेड्यूल्स आते हैं। यस, दो शेड्यूल्स आते हैं, और इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप बोलिएगा इसमें टोटल चैप्टर है 5। और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, मैं एक्ट की बात कर रहा हूं बेटा, ये ध्यान से सुनिएगा, एक्ट के 2 शेड्यूल्स एंड 5 चैप्टर्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा जो डीएनसी एक्ट के में जो रूल्स हैं, उन रूल्स के जो शेड्यूल हैं, वो आप A to Y की बात करते हो, वो रूल्स के शेड्यूल है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, और स्टूडेंट वहां पे आंसर करने लग जाता है एप्लीकेशन, माफ कीजिएगा मत करिएगा, क्योंकि जब एक्ट के शेड्यूल्स के बारे में पूछा जाएगा तब आप वहां पे बोलोगे क्या, हमारा वहां पे 2 ही शेड्यूल्स हैं और उनको अभी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, उस एक्ट के जो शेड्यूल्स हैं वो 2 शेड्यूल्स हैं, फर्स्ट शेड्यूल एंड सेकेंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल की अगर जब हम बात करेंगे, फर्स्ट शेड्यूल्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, ऑल द स्टैंडर्ड बुक्स। यस, सो नेम ऑफ द बुक्स कम्स अंडर द ASU सिस्टम। मैं इसको याद रखने के लिए क्या बोलता हूं, चाहे ASU याद रखो या आप USA भी याद रख लो, लेकिन ASU इजी है, कोई इतना दिक्कत नहीं है। आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी तिब्बत सिस्टम के अंतर्गत जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स आती हैं, उन सभी को किसमें रखा गया है, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट में रखा गया है, कंफ्यूजन हटा दीजिएगा, करेक्ट। दूसरा हमारा आता है सेकेंड शेड्यूल्स, जहां सेकेंड शेड्यूल्स की बात करते हैं, तो यहां पे स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद द इंपोर्टेड ड्रग मैन्युफैक्चर सेल्स एग्जिबिटेड, मींस जितनी भी ड्रग, जरा ध्यान से सुनिएगा, सेकेंड में हमारे क्या है कि जितनी भी ड्रग हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या सेलिंग हो रही है, या अगर हम बात करें हमारी इंपोर्ट हो रही है, उन सबका प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना, ये सारी चीजें किसमें लिस्ट की गई हैं, अंडर द सेकेंड शेड्यूल्स ऑफ द एक्ट में रखी गई हैं।
तो पहले कंफर्म कर लो, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट लिस्ट ऑफ द बुक्स अंडर द एएसयू सिस्टम, सेकंड शेड्यूल ऑफ द एक्ट दैट इज द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑल द इंपोर्टेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द ड्रग की बात करेंगे। पॉइंट क्लियर है? अब दूसरा मैंने आपसे बोला था इसमें चैप्टर कितने हैं, आपने बोला सर चैप्टर कितने, तो हमने बोला पांच। कितने चैप्टर्स है? पांच चैप्टर है। कौन कौन से चैप्टर है आप इनकी नंबरिंग कर डालिए। पहले पहला जो चैप्टर है उसमें ऑल द इंट्रोडक्शन है। यस, इंट्रो ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट मींस ड्रग क्या होता है, कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं, और अगर ड्रग की बात करेंगे तो उसमें हमारे डिफरेंट वर्ड आते हैं लाइक एडल्ट्रेशन, मिसब्रांडेड, स्पूरियस, इन सारे वर्ड की डिफिनेशन दी गई है इंट्रोडक्शन में। सेकेंड हमारा जो चैप्टर्स है, इस सेकेंड चैप्टर्स में हमारी डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज आती हैं। लाइक तीन टाइप की गवर्निंग बॉडी आएंगी। पहला हमारा आता है एडवाइजरी बॉडी, दूसरी हमारी यहां पे आती है क्या, दैट इज द, एक तो एडवाइस करेगी, दूसरी हमारी आती है एनालिटिकल बॉडी, और तीसरी हमारी यहां पे बॉडी आती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो ये तीनों बॉडीज जो है हमारी, ये तीनों ऑर्गेनाइजिंग बॉडी या हम बोले बॉडी स्ट्रक्चर हमारा किसमें आता है, सेकेंड। थर्ड हमारा आता है इंपोर्ट, फोर्थ आता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल, और फिफ्थ में हमारा मिसलेनियस। मैंने पांच चैप्टर आपसे बोला, जरा इसको क्लियर करके चलिएगा क्या क्या मैंने आपसे अभी बोला। पहला हमारा क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी, सारे इंट्रोडक्शन वर्ड है। सेकेंड में हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, थर्ड में हमारा इंपोर्ट ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, केवल इंपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है, चैप्टर फोर में। और चैप्टर फाइव की बात करोगे इसमें पूरा एएसयू सिस्टम, प्रोविजंस रिलेटेड टू द एएसयू ड्रग से रिलेटेड आएगा। और लास्टली हमारा जो सिक्स है उसमें मिसलेनियस है, मींस कितने ऑफेंस क्या है, पेनाल्टीज क्या है, कहां पे क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कहां क्या करनी चाहिए, वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। सो आई होप ये चैप्टर्स आपको क्लियर होंगे। तो कितने चैप्टर्स, हमने नॉर्मली बोला हमारे सिक्स चैप्टर, चलो मिसलेनियस भी अगर ऐड कर लेते हैं, मिसलेनियस ऐड करके हमारे सिक्स चैप्टर्स हो गए, और शेड्यूल ऑफ द एक्ट कितने हो गए, दो हो गए। तो इंट्रोडक्शन में आपको इतना ज्यादा मुझे डिटेल में अभी लेके यहां पे चलने का मतलब नहीं है, मैं इसलिए शुरुआत करूंगा कहां से, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज से। अब हमने क्या बोला, हमारा जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, ये तो हमने एक्ट के शेड्यूल्स देखे ना, अब क्यों ना सर फाइव ए होना चाहिए, नहीं मिसलेनियस आपको सिक्स में ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। हां जी मुस्कान, सिक्स ऐड कर दिया भाई, चलो मिसलेनियस नहीं ऐड किया था, मिसलेनियस डाल दीजिए, ऑफेंस एंड पेनल्टीज वगैरह सब रख लेते हैं, चलेगा। एक्ट के शेड्यूल्स तो इजी थे, असली पॉइंट तो है शेड्यूल्स के रूल्स। और शायद शेड्यूल्स के रूल्स आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा, 2018 में एग्जीक्यूटिव बॉडी से क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया था, इसीलिए वो करना जरूरी है, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो शायद मेरे शेड्यूल वाले वीडियो के थ्रू गो थ्रू ना हुआ हो, और शायद उसमें मैंने पूरी कोशिश की है आपको बहुत सिंपल वे में, इजी लैंग्वेज में सारी चीजें शेड्यूल्स में आपको याद करा दूं। तो जरा मुझे कंफर्म करिएगा क्या वो आपके लिए फायदेमंद रहा है कि नहीं, जल्दी से मैं उसको रिकॉल एक बार आपको यहां कराने की कोशिश कर रहा हूं। केवल मुझे क्या पढ़नी है, एबीसीडी, और अगर एबीसीडी मुझे आती है तो मुझे ये शेड्यूल्स ऑफ द रूल्स भी आएंगे। शुरुआत करते हैं ए से, और ए से बात करेंगे तो आप पैथोलॉजी में कहां, पैथोफिजियोलॉजी में कहां जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आ जाइए इधर हम बात करते हैं। तो हमने क्या बोला, हमारा सबसे पहला पॉइंट यहां पे आ रहा है, दैट इज द शेड्यूल्स ऑफ द रूल्स, जहां पे शुरुआत करें एबीसीडी से। तो ए से क्या आता है, अप्लीकेशन, ए से क्या आता है, अप्लीकेशन। बी से हमारा आता है बैलेंस। अब भाई आप कहीं भी जाओगे तो आपको एक अप्लीकेशन देना पड़ता है, और वो अप्लीकेशन का हर जगह का एक प्रोफार्मा होता है, और वो अप्लीकेशन ऑफ प्रोफार्मा ही हमारा आता है शेड्यूल्स ए में। तो कहीं भी लेबोरेटरी में अगर आपको जो भी कोई काम कराना है, कोई भी अप्लीकेशन देना है, तो वो अप्लीकेशन का प्रोफार्मा किसके आए, किसमें आएगा, आपका ए में आएगा। नेक्स्ट हमने क्या बोला, बी, बी यानी बैलेंस, बैलेंस मींस फी। तो जब हम सी की बात करते हैं और सी वन की बात करते हैं तो दोनों में एक ही वर्ड पढ़ते हैं, लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस, यही पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं, लिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सब्सटेंस ओके, लेकिन जब लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो वहां पे दो वर्ड आएंगे, एक पेरेंट्रल और एक नॉन पेरेंट्रल। जब हम पेरेंट्रल की बात करेंगे तो वहां पे हमारा क्या आएगा, सी, और नॉन पेरेंट्रल की बात करेंगे तो सी वन। बोले तो जरा याद करो,
कुछ आपने एंटीबायोटिक ऐसी होंगी जिनको आपने पेरेंटली इंजेक्ट कराया है, और कुछ ऐसी होती है जिनको आपने ओरली खाया होगा। तो जो आपने इंजेक्ट कराया है यानी आपने इंजेक्शन लगवाया है, जो भी एंटीबायोटिक का वैक्सीन सीरा कुछ भी अगर ऐसा है, तो उन सबको जो आपने इंजेक्ट कराया वो आपका कहलाएगा शेड्यूल सी में। सो हमने क्या बोला, बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स विच आर इंजेक्टेबल लाइक सीरा वैक्सीन पेनिसिलिन, जो भी इंजेक्ट हुई वो हमारी यहां पे आ जाएगी, चलेगा। और सर फार्मास्यूटिकल ज्यूरिसप्रूडेंस जीपैट में है क्या भैया? अच्छा जीपैट अभी आप शुरू कर रहे हो भैया? है ही नहीं, बहुत तगड़े से है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन लगातार आए हैं। आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो, मैंने इसलिए ज्यूरिसप्रूडेंस पे बनाया है। और हमने क्या बोला, C1 यहां पे भी वही है, बायोलॉजिकल एंड अदर स्पेशल प्रोडक्ट्स बट नॉन पेरेंटल लाइक डिजिटलिस हार्मोन इरगट, जो भी आपने बिना पेरेंटली एडमिनिस्टर कराते हैं उनकी पूरी लिस्ट इसमें है। तो अंतर आपने कर लिया क्या, बी के बाद B1 होता है? नहीं भैया, इसमें B1 नहीं आता है, परेशान मत हो, जितना आपको बोला है उसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट डी, डी बोले तो डी से याद रखो एक वर्ड, एग्जेम्प्टेड। डी में हमने क्या बोला, एग्जेम्प्टेड। अब ये बताओ, अगर आप कोई भी ड्रग या मेडिसिनल प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हो किसी अदर कंट्री से, और अगर आप किसी अदर कंट्री से आप कोई भी ड्रग या मेडिसिन इंपोर्ट कर रहे हो, तो आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, हाँ जी, तभी आप इंपोर्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ ड्रग की लिस्ट ऐसी बनाई गई है जो हमारी इस एग्जेम्प्टेड है, मतलब उनके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप उनको फ्रीली इंपोर्ट कर सकते हो। ऑल दोज लिस्ट ऑफ द ड्रग्स कम व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड द लाइसेंस फॉर द इंपोर्ट कम्स अंडर द शेड्यूल डी। सो लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ द इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के लिए अगर लाइसेंस नहीं चाहिए, उनकी लिस्ट रखी गई है किसमें, हमारे यहां पर रखी गई है। ओके हां जी, नेक्स्ट शेड्यूल ई। अच्छा ई का मतलब क्या होता है? ई से याद रखते हैं हम वर्ड क्या, एविल। और आपके बॉडी के लिए एविल क्या है? आपकी बॉडी के लिए एविल है पॉइजन। क्या है? पॉइजन। मतलब अगर हम बात करेंगे हमारा जो पॉइजन है, ऑल द लिस्ट ऑफ द पॉइजन कम्स अंडर द ASU सिस्टम। जितने भी हमारे पॉइजनस सब्सटेंस हैं आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम में, वो सब हमारे किस में आएंगे, E1 शेड्यूल में आएगा। तो ई डी डोंट रिक्वायर लाइसेंस, एग्जैक्टली हमारा डी से लाइसेंस नहीं चाहिए, एग्जेम्प्टेड है लाइसेंस से। किस चीज के लिए, इंपोर्ट के लिए। अभी एक के भी आएगा, ध्यान से सुनो, अभी एक के भी आएगा, वहां भी लाइसेंस नहीं चाहिए, लेकिन वो अलग है, डी अलग है, तो इसलिए मैं बोलता हूं दोनों को जरा याद रखो। ASU सिस्टम की बात आई। अच्छा आगे चले, नेक्स्ट हमारा आता है शेड्यूल एफ। एफ का मतलब फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस बोले तो जो भी सब्सटेंस आपके बॉडी में जा रहा है, तो वो कहां जाएगा, ब्लड में जाएगा। कहां पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। तो अगर हमने बोला ब्लड बैंक के लिए, जी हाँ ब्लड बैंक के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे किसमें आएंगे, फॉर द फंक्शनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ द ब्लड बैंक, यानी लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस कहां से लेना पड़ेगा, वो सारी चीजें हमारी ब्लड बैंक के लिए जितनी चीजें रिक्वायर्ड हैं, वो सब हमारे किसमें आएंगे, शेड्यूल एफ में आएंगे। नेक्स्ट F1। F1 में भी वही सारे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अलग अलग। लाइक अगर ह्यूमन वैक्सीन सीरा की बात हो रही है, प्रोविजंस एप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ द बैक्टीरियल एंड वायरल वैक्सीन। अगर आप बैक्टीरियल या वायरल वैक्सीन कर रहे हैं, तो F1 का पार्ट 1। और अगर आप एनिमल की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ ऑल सीरा एंड वैक्सीन फॉर द एनिमल्स, वो पार्ट 2 में आएगा। और जो आपका पार्ट 3 है, उसमें आपके डायग्नोस्टिक एजेंट आएंगे। एक मिनट, आप कोई भी डिजीज की डायग्नोसिस कराते हो, सुनो जरा, आप किसी भी डिजीज की डायग्नोसिस कराते हैं, तो वो किससे होता है, ब्लड से होता है। आप वैक्सीन सीरा अपने ह्यूमन में इंटेक कराते हो, तो भी ब्लड में जाता है। और अगर एनिमल्स में भी आप वैक्सीन या सीरा डालोगे, तो भी ब्लड में ही जाएगा। दैट मींस आपका जो F1 का पार्ट 1 है, वो ह्यूमन सीरा वैक्सीन के लिए है।
F1 का पार्ट 2 है वो एनिमल्स के लिए है, और जो F1 का पार्ट 3 है वो आपके डायग्नोस्टिक एजेंट के लिए है जहां आप डायग्नोसिस करोगे। तो हमने 2 में क्या बोला, ऑल सीरा फॉर द लिविंग एनिमल्स में हमारा ये होगा अप्लीकेबल टू द प्रोडक्शन एंड वैक्सीन। तो सिंपल आप बोलो वैक्सीन आपका आ गया किसमें, वैक्सीन आपका आ जाएगा पार्ट 1 में, सीरा आपका आ जाएगा पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में आपका आएगा बायो डायग्नोस्टिक एजेंट आएगा। नाउ F2, F2 क्या बोला जाता है कि किसी भी जो हम बोलते हैं ना, हमारा जो बैंडेज होता है उसके दो पार्ट होते हैं, और बैंडेज के जो दो एंड होते हैं तो F2, क्योंकि ब्लड जब बहता है तो हम बैंडेज लगाते हैं, ब्लड से ही रिलेटेड चल रहा है, एफ की बात कर रहे हैं तो ब्लड से रिलेटेड जब ब्लड बहता है यानी ब्लीडिंग होती है तो आप वहां पे क्या लगाते हो, वहां पे आप लगाते हो बैंडेज, और बैंडेज में दो एंड होता है, तो आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड फॉर द सर्जिकल ड्रेसिंग कम्स अंडर द F2। F3 और F3 की बात करेंगे तो हमारा यहां पे अम्बिलिकल टेप्स, एक मिनट, अम्बिलिकल टेप्स में अगर हम बात करेंगे, अम्बिलिकल टेप्स में हमारा टी सेव्ड होता है, पढ़ा है ना, यूट्रस में जो लगाया जाता है क्या टी, कॉपर टी वगैरह लगाया जाता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट करने के लिए जो अम्बिलिकल टेप्स होता है जब बेबी का बर्थ होता है तो वो क्या होता है, यहां पे हमारा बेबी जुड़ा है, ये मदर से निकल के आया है, तो इस अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके जो टेप लगाया जाता है उसको बोलते हैं अम्बिलिकल टेप्स, और उसमें तीन एंड है 1, 2, 3, तो इसीलिए F3 चलेगा। FF की बात करेंगे तो यहां पे हमारा आएगा FF, यहां पे अब आप ब्लड से बाहर आ रहे हो, और यहां जो ब्लड से बाहर आ रहे हो वो कहां पे आ रहे हो, ऑफ्थैल्मिक प्रोडक्ट में, आई का एक फोकस दूसरे आई का फोकस, तो जितने भी ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशंस होंगे, ऑल द स्टैंडर्ड ऑफ द ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन आई पे यूज होने वाले प्रोडक्ट्स का किसमें आता है, FF में आता है, ऑफ्थैल्मिक प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। F फॉर फोकस मींस आई, दैट इज द ऑफ्थैल्मिक, क्या बात है। जी का मतलब गार्जियन, जी मींस गार्जियन। अब अगर हमने क्या बोला कि हम अपने मेडिकल फील्ड में गार्जियन की बात करेंगे, तो मेडिकल फील्ड में गार्जियन कौन होता है, ऑब्वियस सी बात है RMP, नर्सेस, ये लोग होते हैं। तो हमारे ऑल द मेडिसिन विच शुड बी टेकन अंडर द मेडिकल सुपरविजन कम्स अंडर द शेड्यूल जी, तो जो मेडिकल सुपरविजन में ड्रग ली जाती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, शेड्यूल जी क्लास की ड्रग। जैसे एग्जांपल याद रखो, क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, मेटफॉर्मिन, ये मेरी कुछ ड्रग आती हैं, लिस्ट भी इसकी है, वो जब पढ़ेंगे जब हम क्लासेस करेंगे, लेकिन अभी खाली नाम समझ के चलो। तो लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट कम्स ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन लेबल्ड अकॉर्डिंगली, और मेडिकल सुपरविजन के अंतर्गत जो ड्रग लोगे उसको शेड्यूल जी। नेक्स्ट शेड्यूल एच, एच तो वेल नोन है, एच का तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, मींस एच दैट इज द प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, और उसमें साफ साफ क्या लिखा रहता है, दीज ड्रग शुड बी शोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द RMP, मींस अगर जहां पे लिखा रहे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मींस दोज ड्रग शुड बी शोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द RMP। अगर किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का आप RMP लेके आओगे, और हमारे जितने भी क्लास की ड्रग है ना उनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये हमारे इस क्लास की क्या है, हीरो है। जी हाँ, चलो बढ़िया। अच्छा एक मिनट, इसी से मिलता जुलता एक और नया शेड्यूल आया है, पता है ना, HX, कब आया है, 2011 में, और HX के अकॉर्डिंग क्या होता है, ऑल द लिस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स, जो हमारे मिसयूज ऑफ द एंटीबायोटिक्स को रोकने के लिए ये हमारा नया एक्ट लाया गया है, नया शेड्यूल लाया गया है, दैट इज द प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक, प्रिस्क्रिप्शनल एंटीबायोटिक के लिए HX आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है क्या, शेड्यूल जे। अब बोलो सर, IIL, जरा सुनना, आई और एल की बात करेंगे, आई और एल हमारा यहां पे नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि EIL, जरा ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, EIL, देयर आर द थ्री क्लासेस शेड्यूल्स, EIL, दीज आर रिमूव्ड, ये आज की डेट पे हमारी नहीं है, आज हमारी ये यहां पे शेड्यूल्स नहीं है, EIL नहीं देखने को मिलेगा। बोलो सर, अभी तो आपने बोला था E, लेकिन वो E नहीं था, वो क्या था, वो E1 था, I तो है ही नहीं है, L तो है ही नहीं है, तो जरा इनको याद रखना,
ई आई एल हमारे ये तीनों शेड्यूल्स में नहीं है, तो ई आई एल और जेड भी चाहो तो लिख लो चलेगा, ये चार यहां पे नहीं देखने को मिलेगा, चलेगा। L1 है, L से हमारा L1 है लेकिन L नहीं है, E1 है लेकिन E नहीं है, इनको जरा नोट करके चलेंगे। आगे चले J, तो I के बाद आएगा J और J मींस जानलेवा। सो ऑल दोज डिजीज विच आर इनक्योरेबल, जिनको आप क्योर नहीं करा सकते हैं, जिनको आप क्योर नहीं कर सकते हैं, जैसे एड्स है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसी डिजीज जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, इनक्योरेबल है, खत्म नहीं हो सकती है, केवल कंट्रोल हो सकती है, उन सारी ड्रग की डिजीज की लिस्ट किसमें है? शेड्यूल जे। मींस ऑल द डिजीज एंड एलिमेंट विच ड्रग में नॉट परपट और प्रिवेंट और क्योर, लाइक एड्स, कैटरैक्ट, डायबिटीज, ये जिसका क्योर ना हो, जिसका क्योर पॉसिबल नहीं है, जो जानलेवा है, वो हमारी आती है शेड्यूल जे। नेक्स्ट के। ओके, अभी मैंने आपसे बोला था डी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट लाइसेंस, ड्रग के लिए इंपोर्ट की जरूरत नहीं थी, जिस लाइसेंस जिसके इंपोर्ट के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, वो हमारी आई थी शेड्यूल डी में। और के, ओके ओके फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मींस ऑल दोज मेडिसिन जिनके लिए किसी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, वो हमारी ओके है। मींस लिस्ट ऑफ द ड्रग दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस रिगार्डिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में जिसमें आपको कुछ चीजों की छुट्टी दी गई है, कुछ चीजों में छूट दी गई है, वो शेड्यूल जे आता है। नेक्स्ट के आता है, सॉरी, नेक्स्ट शेड्यूल एम, और एम से याद रखने वाली चीज क्या है? जीएमपी। एम से क्या याद रखेंगे? जीएमपी, दैट मींस यहां पे हमारी आती है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस की बात करेंगे जहां पे हमारा डिफरेंट प्लांट का रिक्वायरमेंट है, वहां पे इक्विपमेंट है, प्रिमाइसेस की रिक्वायरमेंट है, वहां पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए, वो सारी चीजें किसमें है? शेड्यूल एम में। सो रिक्वायरमेंट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रेमिसेस जीएमपी, रिक्वायरमेंट फैक्ट्री प्रेमिसेस, प्लांट इक्विपमेंट, ये सारी चीजें एम, और इसी एम के सम पार्ट है M1, M2, M3। अंतर क्या है? M1 रिलेटेड टू द होम्योपैथिक मेडिसिन, M2 रिलेटेड टू द कॉस्मेटिक, और M3 रिलेटेड टू द मेडिकल डिवाइसेस। तो कैसे याद रखोगे? जरा ये सुनो, जब आप सबसे पहले M1 की बात करोगे तो M1 में क्या आएगा? होमियो। और M2 में बात करोगे तो क्या आएगा हमारा? कॉस्मेटिक्स। सबसे पहले क्या देखा जाता है? देखो, अगर आप, मैं आपसे बात करूं सिंपल, जब आप M2 की बात करोगे, छोड़ो जाने दो, कॉट ट्रिप पे नहीं जाएंगे अभी, कॉस्मेटिक्स, और M3 की बात करोगे तो जितने भी हमारे मेडिकल डिवाइसेस हैं वो आपकी आती हैं किसमें? सर, इंसुलिन शेड्यूल जी में क्यों आता है? क्योंकि शेड्यूल इंसुलिन नॉर्मली कहा जाता है कि अपने से आप नहीं ले सकते हो। अब आप बोलोगे सर हम तो फार्मासिस्ट हैं, हम तो ले सकते हैं। अरे तो भैया आप मेडिकल सुपरविजन भी तो कर रहे हो, आप तो मेडिकल सुपरवाइजर हो, तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर सपोज एक किसी पर्सन को बोल दिया जाए जिसको इंजेक्शन लगाना नहीं आता, क्या वो इंसुलिन को अपने आप से ले सकता है क्या? आंसर इसी में है। संदीप जी, फॉर्म नंबर भी है इस क्लास में, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, मैं काम की चीज ही लेके आऊंगा आपके साथ, तो सारे फॉर्म नंबर आज आपको याद करा के जाऊंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चलिए तो शुरुआत करें, आगे बढ़ते हैं। एन, एन से हम क्या बोलते हैं? नीड, दैट मींस ऑल द रिक्वायरमेंट्स, और नीड ऑल द इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट विच आर नीडेड फॉर द रनिंग ऑफ द फार्मेसी, फार्मेसी स्टोर को रन करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम इक्विपमेंट जो रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब इसी में आते हैं, नीड में आते हैं। तो एन हो जाएगा नीड से। गुड बेटा सुनील। नेक्स्ट शेड्यूल ओ, ओ डिटॉल, ओ फिनॉल, ओ लाइजॉल, और ये सारे क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट होते हैं। ये सभी क्या है? डिसइंफेक्टेंट है। तो जितने भी डिसइंफेक्टेंट होते हैं उन सब का किसमें स्टैंडर्ड रखा गया है? ऑल द डिसइंफेक्टेंट फ्लूड का, हमारा फिनॉल, हाइड्रोजन परऑक्साइड, एल्कोहल, इन सभी का किसमें है? वो सब हमारे किसमें है? शेड्यूल ओ में है। चलेगा, सारे रिवीजन करेंगे, फटाफट अभी रिवीजन करेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिएगा।
तो शेड्यूल ओ में क्या आएगा, डिटॉल फिनॉल लाइजॉल जो होते हैं डिसइंफेक्टेंट, और डिसइंफेक्टेंट के लिए क्लीनिंग के लिए जो हमारे यूज किए जाते हैं उनका स्टैंडर्ड। अच्छा एक बार क्वेश्चन पूछा गया, अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स रेडियल वॉकर कोफिशियंट कम्स। रेडियल वॉकर कोफिशियंट किसके लिए किया जाता है, रेडियल वॉकर कोफिशियंट हमारा किया जाता है फॉर द डिसइंफेक्टेंट फ्लूड के लिए, और डिसइंफेक्टेंट फ्लूड के लिए किया जाता है तभी हमारा ये है। सर मैंने बुक मंगा ली थी जीपैट मंत्रा, पर पिन कोड गलत होने की वजह से अब क्या होगा? या तो आपने नंबर अगर आप दिया होगा तो आपके नंबर पे कॉल किया जाएगा, और अगर नंबर पे आपका कॉल नहीं आता है, आपने नंबर भी गलत दिया होगा, तो शायद वो बुक रिवर्ट हो जाएगी, और रिवर्ट हो जाएगी तो फिर डबल कुरियर के साथ आपको भेजना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है तो कॉल करिएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर किया जाएगा। सर ये शेड्यूल किसने दिया था, ये शेड्यूल किसी ने दिया नहीं है, ये शेड्यूल्स लगातार अमेंडमेंट की वजह से हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पी। पी बोले तो लाइफ पीरियड। पी और पी वन दो अलग हैं, यहां पे दोनों आते हैं। पी में लाइफ पीरियड और पी वन में पैक साइज आता है। पी में लाइफ पीरियड और पी वन में पैक साइज, तो किसी ड्रग का लाइफ पीरियड कितना है, जैसे बोला जाता है ना कि हमारा जो डिजिटॉक्सिन होता है उसका लाइफ पीरियड हमारा 7 days होता है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है, तो ये सब किसमें मेंशन किया गया है, लाइफ पीरियड। सेल्फ लाइफ इंसुलिन का 24 months होता है, तो ये सब हमारा मेंशन किया गया है। ओके नेक्स्ट पी वन दैट इज द पैक साइज। पी वन हमारा पैक साइज आता है। क्यू की बात करेंगे, क्यू में हमारे आते हैं कलर। क्यू में क्या आते हैं, कलरिंग एजेंट। जैसे हमारे कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे आते हैं प्लांट ओरिजिनेटेड, कुछ हमारे आते हैं जो हमारे मिनरल ओरिजिनेटेड होते हैं, तो पी से लाइफ पीरियड और पी वन से पैक साइज। तो पी फॉर लाइफ पीरियड, पी वन फॉर पैक साइज, क्यू फॉर कलर। अब क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंट एमपीडीआई में 2017 वाले में क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग का था, और उसमें था कि हमारा जो कलरिंग एजेंट है उसका किस शेड्यूल में आएगा, तो आप सिंपल बोल सकते हो शेड्यूल क्यू में आएगा। रैंकर बैच में सर मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। बेटा आप यहां पे पूछोगे रैंकर बैच में है तो यहां पे नहीं बता सकते हैं, आपका ओरिएंटेशन क्लास होगा वहां पूरा आपको बताया जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे क्लासेस होंगी, तो वो चीजें करेंगे। ओके नेक्स्ट आर, और आर से बड़ा सिंपल आपको मैंने याद कराया है क्या, रबर। मींस जो हमारे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते हैं लाइक कंडोम्स वगैरह की बात करेंगे, उन सब का स्टैंडर्ड किसमें है, आर में। तो मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर द शेड्यूल आर। नेक्स्ट आर वन, आर और आर वन में अंतर क्या है, आर फॉर द मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव और आर वन। एक मिनट, बहुत सारे मेडिकल डिवाइसेज में हमारे पाइप वगैरह आते हैं ना, वो भी तो प्लास्टिक होते हैं। हाँ जी, आर बॉर फॉर रबर, एग्जैक्टली रबर, रबर यानी लैटेक्स, लैटेक्स से बने हुए हमारे आएंगे। मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करेंगे, हाँ हम बात कर रहे थे जैसे हमारे डीप ट्यूब वगैरह होती हैं, या अगर हम बात करें बहुत सारे हमारे ऑक्सीजन मास्क वगैरह होते हैं, ये सब भी तो रबर से ही बने हैं ना। तो जितने मेडिकल डिवाइसेज हमारे स्टैंडर्ड है उनका आर वन में है, और एस के तो क्या कहने, सभी फिदा है एस के नाम पे ही, और सभी परेशान है एस के नाम पे ही, और एस फॉर सुंदरता यानी कॉस्मेटिक। और आज की डेट पे सुंदरता, सुंदरता सबको क्या चाहिए, समझ ही रहे हैं। तो जहां हमारे सारे कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड आते हैं वो किसमें आते हैं, कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड हमारे किसमें आएंगे, शेड्यूल एस में आएंगे। नाउ टी, टी से याद रखेंगे ट्री, टी फॉर ट्री। तो जो भी हमारे मींस ट्री से क्या मिलता है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। टी से क्या मिलती है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन। तो जो भी हमारी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है जो ट्री से मिलती है, क्योंकि आयुर्वेदा मतलब प्लांट, करेक्ट, और जो टी से मिलती है आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती है उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है फॉर द आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रिमाइसेस एएसयू सिस्टम की किस में आती है, हमारे हमारे टी में आती है। एस इज कॉस्मेटिक ड्रग। हाँ जी बिल्कुल। Hello sir, can you tell me that MPDI because I supposed to be here? No. Actually, MPDI date is not 10th February. MP Vyapam exam will start from the 10th February. But all the courses or all the
पेपर विल हैव द इंडिविजुअल डेट्स एंड दैट विल नोटिफिकेशन रिलीज्ड फॉर द लेटर ऑन, तो इसलिए वेट करिए, अभी वो आया नहीं है. ओके, यू एनालिटिकल रिकॉर्ड, कोई भी एनालिसिस होगा तो उनका जो एनालिटिकल रिकॉर्ड बनाया जाएगा वो एनालिटिकल रिकॉर्ड हमारा यू में आएगा. सर टी इज ट्री है ना कि नहीं? हाँ, टी मीन्स ट्री, और ट्री से हमारे मिलते हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन, और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की जीएमपी के लिए हमारा आता है क्या? टी आता है, यही मैंने आपसे बोला. यूवन यहां पे रिकॉर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स, एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स. यू में एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर द ड्रग, यूवन एनालिटिकल रिकॉर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स. नाउ द नेक्स्ट वी, वेरी वीआईपी, V for VIP, और VIP medicines को क्या बोलते हैं? Branded medicine और patent and proprietary medicine बोला जाता है. तो V में standard for the patent and proprietary medicine, like W, common है. W common है यानी generic है, और generic की बात करेंगे तो हमारा क्या है, जितने भी generic names हैं वो schedule W में आते हैं. Confusion है क्या कुछ? सर R1 एंड M3 कंफ्यूज लग रहा है. नहीं 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 नहीं, R1 में हमने क्या बोला, मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड है, और M3 में क्या बोला था, मेडिकल डिवाइसेस की GMP है. तो एक में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, दूसरे में स्टैंडर्ड मैच किए जा रहे हैं, तो R1 और M3 में कंफ्यूज होने की जरूरत ही क्या है. क्लासेस आप पूरे सिलेबस के लिए GDC प्राइम फ्रॉम द GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड, द GDC क्लासेस ऐप, यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन देयर. और उसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो वहां कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, आप वहां कॉल कर सकते हो. ओके, चलें. एक्स, जहां भी एक्स का निशान मिलता है वो पहले होता था ना अंधेरा, कायम रहे शक्तिमान हमारे टाइम वाला, आज तो एक्समैन आता है, दैट इज डेंजर. और डेंजर बोले तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, जितने भी हमारे हैं नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कम्स अंडर द शेड्यूल एक्स. किसका ट्रिक चाहिए बेटा, सारे ट्रिक ही तो बता रहा हूं. नहीं, कॉलेज और तैयारी डिफिकल्ट नहीं होता है, स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर रहे हैं और करके दिखा रहे हैं. एक्सक्यूज दोगे बेटा तो एक्सक्यूज देते रह जाओगे. वाई, वाई फॉर यॉक, और यॉक क्या है, एनिमल, और एनिमल पे हमारी स्टडी होती है प्री क्लिनिकल स्टडी. तो वाई से हमने क्या बोला, जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं वो सब हमारे आते हैं किसमें, वाई में. ये है हमारे डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ द रूल. आई होप ये आपको थोड़ा समझ में आया. चाहे जितने टाइप से क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ लिया जाए, मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें से कोई भी डाउट करोगे. ए फॉर एप्लीकेशन, बी फॉर फी, सी फॉर बायोलॉजिकल पेरेंटल, सीवन फॉर द बायोलॉजिकल नॉन पेरेंटल, डी फॉर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द इंपोर्ट, ईवन फॉर द पॉइजन, एफ फॉर द फॉरेन ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड बैंक की बात आएगी, F1 की बात करोगे. हमारा F1 में हमारे अलग अलग पार्ट है, F1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमारा वैक्सीन, सेकेंड पार्ट में सीरा, थर्ड पार्ट में डायग्नोस्टिक एजेंट, F2 की बात करोगे हमारे बैंडेज आएंगे, F3 की बात करोगे हमारा, F3 में हमारे अम्बिलिकल टेप्स आएंगे, FF में हमारे ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन, FF में हमारे ऑफ्थैल्मिक प्रिपरेशन आएंगे, F के बाद हमारा आता है G मेडिकल सुपरविजन, H हमारा RMP प्रिस्क्रिप्शन की बात आएगी, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, H के बाद हमारा I है नहीं, J में आता है जानलेवा इनक्यूरेबल डिजीज, J के बाद हमारा आता है KK में हमारा exempted from the manufacturing license, के बाद हमारा आता है L की बात हमने किया, L में हमारा L नहीं है, L1 है, और हमने IJKL हमारा L1 यहाँ पे आता है, और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, M में हमने क्या बोला, GMP, M1 में हमारा, M में GMP हो गया, M1 में हमारा होम्योपैथिक, M2 में हमारा कॉस्मेटिक्स, M3 में हमारा मेडिकल डिवाइसेज हो गया, M के बाद आया N में नीड ऑफ द फार्मेसी की बात किया गया, N के बाद आया O में हमारा आ गया डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आ गया, P में हमने बोला क्या हमारा यहाँ पे P फॉर पैक साइज, हमारा P फॉर लाइफ पीरियड आया और P1 फॉर पैक साइज आया, P के बाद आया Q में हमारा कलर आया, P के बाद Q के बाद हमारा आया R से हमने बोला क्या हमारा मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, और R1 में हमने हमारा क्या बोला मेडिकल डिवाइसेस के स्टैंडर्ड हमने बोला, R के बाद S में हमारा सुंदरता यानी कॉस्मेटिक्स की बात किया, S के बाद हमारा आया क्या T में हमने क्या बोला GMP फॉर द आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी सिस्टम, T के बाद हमारा आया
यू में एनालिटिकल रिकॉर्ड, U1 में एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्मेटिक्स, U के बाद हमारा आया क्या, V में हमारा आया पेटेंट प्रोप्राइटरी मेडिसिन, W में हमारा आया जेनरिक, X में हमारा आया नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, और हमारा लास्टली आया Y में आया क्लिनिकल ट्रायल। कितना टफ है आई नो, एक बार अगर इस तरीके से खाली दिमाग में बैठा लोगे स्पेशल मेन वर्ड, आपके कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और इनसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं। प्राइम में वीक डेज नहीं बेटा, पर डे क्लास होती है, और पर डे 2-3 क्लासेस होती हैं 6-9 PM के बीच में, तो इसलिए प्राइम में कोई एक दिन में क्लास नहीं होती है, क्योंकि ये बेटा पूरे साल का कोर्स होता है। चलिए तो अब हम चलते हैं चैप्टर सेकंड। चैप्टर वन में हमारा हो गया शेड्यूल्स वगैरह सारी चीजें, इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ द चैप्टर टू। चैप्टर टू में हमारे आते हैं क्या, बॉडीज, यानी बोले तो हमारे जो भी फंक्शन हो रहे हैं उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज आएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात करेंगे, कौन कौन से आएंगे, तीन टाइप के। पहला हमारा एडवाइजरी बॉडी, दूसरा हमारा एनालिटिकल बॉडी, और तीसरा हमारा क्या आएगा, दैट विल बी द एग्जीक्यूटिव बॉडी। तो एडवाइजरी बॉडी में हमारा क्या आता है, जरा मुझे कंफर्म करो। एडवाइजरी बॉडी में दो बॉडी आती है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड से हर साल क्वेश्चन आता है, इसके मेंबर्स को जरा याद रखेंगे, क्या जरा मुझे कंफर्म करना, मैंने आपसे क्या बोला, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में हमारा हमने क्या बोला, एडवाइजरी बोर्ड में हमारा ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड में दो। एनालिटिकल बॉडी में हमारी यहां पे लेबोरेटरीज आएंगी और हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट आएगा, और लेबोरेटरीज दो लेवल पे होंगी, सेंट्रल और स्टेट लेबोरेटरी, और लेबोरेटरी में काम करने वाला गवर्नमेंट एनालिस्ट, और तीसरा एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या है, देखो अगर हमारे गवर्नमेंट को जो एडवाइज करते हैं उसको बोलते हैं एडवाइजरी बॉडी, एनालिटिकल बॉडी जहां पे एनालिसिस हो, और एनालिसिस कहां पे होगी, या तो लैब में होगी, और लैब में काम करने वाला कौन होगा, गवर्नमेंट एनालिस्ट होगा, और तीसरा हमने क्या बोला, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और किसी भी एक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जहां पे हमारे चार आएंगे, पहला कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दूसरा लाइसेंसिंग अथॉरिटी, एक जो कंट्रोल करेगा, दूसरा जो लाइसेंस देगा, करेक्ट है, और लाइसेंस दे दिया तो लाइसेंस को चेक करने का काम है किसका, ड्रग इंस्पेक्टर का, और अगर कहीं इंपोर्ट होके ड्रग आ रही है तो कस्टम कलेक्टर का। ये मेंबर आपके लिए बहुत बार पूछे जा चुके हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवाइजरी बॉडी, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल बॉडी, कौन बोला 20 है, ये 20 किसने बोला, डीटीएबी में 20 मेंबर, शांतनु जी शायद थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, पहला हमने क्या बोला एडवाइजरी बॉडी, दूसरा हमारा एनालिटिकल बॉडी, और तीसरा हमारा क्या आएगा एग्जीक्यूटिव बॉडी, करेक्ट, जो एग्जीक्यूशन करे। एनालिटिकल में दो, डीटीएबी और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। नेक्स्ट हमने क्या बोला एनालिटिकल बॉडी, एनालिटिकल बॉडी में सेंट्रल लेबोरेटरी, स्टेट लेबोरेटरी एंड गवर्नमेंट एनालिस्ट। एग्जीक्यूटिव बॉडी में चार, बोले तो हमने क्या बोला कंट्रोलिंग अथॉरिटी, लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ड्रग इंस्पेक्टर एंड कस्टम कलेक्टर। बताओ कितना टफ है, सिंपल है, याद हो सकता है आराम से, बस इसी को आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। अब इंडिविजुअल इनके बारे में बात करने वाले, थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि ये बेसिक है, आपको इसमें पता होना चाहिए, मेजर चीज मैं आपको बताता जाऊंगा। हमने बोला हमारे जो एडवाइजरी बॉडी है उनमें हमारा डीटीएबी, पूछो ही नहीं, डीटीएबी में 18 मेंबर। कहीं भी किसी भी बॉडी में बात करेंगे तो तीन टाइप के मेंबर आते हैं, एक हमारा होता है क्या इलेक्टेड, दूसरे हमारे क्या होते हैं नॉमिनेटेड, और तीसरे हमारे आते हैं क्या एक्स ऑफिशियो। तीन टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, एक्स ऑफिशियो। और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बात करोगे तो 5 इलेक्टेड, 5 नॉमिनेटेड
एंड एक्स ऑफिशियो कितने, सॉरी आप लोगों के 20 के चक्कर में मुझे 20 आ गया। तो इलेक्टेड का मतलब देखो जो इलेक्शन से, जैसे आप जानते हो ना इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन से जो चुनके आएंगे वो इलेक्टेड कहलाएंगे, गवर्नमेंट जिनको नॉमिनेट करेंगे वो नॉमिनेटेड कहलाएंगे। और एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है जरा ये समझ लो दिमाग में। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन है वो किसी पोस्ट पे आ गया, किसी पोस्ट पे पहुंच गया, तो वो ऑटोमेटिक आपके इस कमेटी में आ जाएगा, उसको बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। आपको यहां से उतने क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं जितने क्वेश्चन कहां से देखने को मिलते हैं, एक्स ऑफिशियो से। आपको ये एक्स ऑफिशियो जरूर याद करना है। चलो मेरे साथ एक बार याद करके देखते हैं याद होते हैं कि नहीं, चलेंगे करेंगे। आइए, एक्स ऑफिशियो में मैंने बोला कितने, 8। बड़े आराम से याद हुए, 5, 6, 7, 8 मेंबर्स होंगे, करेक्ट। कैसे याद करोगे, चलो शुरू करते हैं। हमारे कुछ लेबोरेटरीज के डायरेक्टर आते हैं, पहले तो याद रखो कि पीसीआई में जो हमारे एक्स ऑफिशियो होते हैं, फार्मेसी एक्ट में, फार्मेसी जो हमारी पीसीआई बनती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, पीसीआई में हमारे 3 एक्स ऑफिशियो आते हैं। फोर्थ सेमेस्टर इज गुड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द जीपैट। चलो, हमने पहला क्या बोला, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और नेक्स्ट हमारे आते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कोलकाता, हाँ वही कोलकाता वाला। ये 3 तो हमारे किसमें आते हैं, उसमें भी तो आते हैं, किसमें, जब हम बात करते हैं पीसीआई में। तो ये तो आपको सभी को याद ही होगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। तो डीसीजीआई, डीजीएचएस एंड डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। अच्छा, एक चीज और सुनना, यहां पे आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि चेयरमैन कौन होता है, डीटीएबी का चेयरमैन। आपसे कमेंट चाहिए, मैं आंसर बाद में करूंगा, पहले आप मुझे कमेंट करना। चलो आगे बताता हूं। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ द सीडीआरआई, और सीडीआरआई कहां है, लखनऊ में। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हो गई ना, सीआरआई, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन टू द कसौली। नेक्स्ट, डायरेक्टर ऑफ आईवीआरआई, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन टू द इज्जत नगर। हां जी, एक्सक्यूज मी सर, रैंकर बैच क्या है? देखो बेटा, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन अभी तक किए लेकिन उनका लगता है कि उनको फाइनल टचअप जेडीसी के साथ देना है, तो यहाँ पे एक फटाफट सुपर फास्ट रिवीजन होता है, फॉर द 50 डेज का कोर्स होता है जो हमारा रैंकर बैच आता है, सुपर फास्ट रिवीजन होता है, पूरा सिलेबस रिवाइज होगा, ये हमारा होता है रैंकर बैच होता है। चलिए याद रखिएगा, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज होता है ना, वो डीटीएबी का क्या होता है, चेयरमैन होता है। चले आगे, और दो अभी इसमें जोड़ना है, कौन जोड़ोगे, प्रेसिडेंट, कहां कहां के, इंडिया के प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई एंड प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, ये हमारे टोटल 8 मेंबर हो गए। सर जो रेलवे फार्मासिस्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी ये लेक्चर यूजफुल है, बहुत ज्यादा बेटा, मैंने बोला ना इससे आते हैं, बताओ कितना टफ है। मैंने आपसे क्या बोला, 3 मेंबर फ्रॉम द पीसीआई से उठा लाओ, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल लेबोरेटरी। 3 डायरेक्टर दे दिए अलग अलग लेबोरेटरी के, सीडीआरआई, सीआरआई एंड आईवीआरआई, और 2 प्रेसिडेंट हो गए 8। रट्टा नहीं मारना, सिंपल चीजों को कॉन्सेप्चुअल बनाना है, चलेगा। आइए, यही आपने अभी पढ़ा, जो मैंने अभी आपसे बोला, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, यही हमारा चेयरमैन होता है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, डायरेक्टर ऑफ सीआरआई, डायरेक्टर ऑफ आईवीआरआई इज्जत नगर, डायरेक्टर ऑफ द सीडीआरआई लखनऊ, प्रेसिडेंट ऑफ एमसीआई, प्रेसिडेंट ऑफ पीसीआई, टोटल कितने हो गए, 8। प्रेसिडेंट अभी कौन है, अगर पीसीआई के प्रेसिडेंट की बात करोगे तो हाँ अभी मोंटू पटेल, जी हाँ मोंटू पटेल जी है पीसीआई के, नॉट फॉर द एमआरबी, एग्जैक्टली नहीं, आर एन चोपड़ा, अरे नहीं भैया, आर एन चोपड़ा का जमाना अलग था, छोड़ दो,
फाइव मेंबर्स नॉमिनेटेड, लेकिन इसको इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, टू पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर द इनचार्ज ऑफ द ड्रग कंट्रोल इन इंडिया, वन पर्सन फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टू गवर्नमेंट एनालिस्ट नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये फाइव टोटल मेंबर्स। इसी तरह इलेक्टेड मेंबर, वन टीचर फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इकोलॉजी एंड कोग्नोसी, वन टीचर इन द मेडिसिन फील्ड, वन फार्माकोलॉजिस्ट फ्रॉम द ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च की बात करेंगे। नेक्स्ट हम बोलेंगे वन पर्सन इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल एसोसिएशन एंड वन पर्सन इलेक्टेड बाय द फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, तो टोटल हमारे यहां पे होते हैं मोंटू भाई पटेल। ठीक है चलो वाला नहीं, ये हमारे टोटल DTAB, मैंने बोला एक्स ऑफिशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा। दूसरा हमने क्या बोला, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी की बात करेंगे तो इसमें हमारे टोटल दो टाइप के मेंबर होते हैं, टू पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, वन पर्सन फ्रॉम ईच स्टेट नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या बोला, दो टाइप के हैं, मैंने दो नहीं बोला है, दो टाइप के बोला है, मतलब दो मेंबर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इनटू द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड वन मेंबर फ्रॉम ईच रिप्रेजेंटेटिव स्टेट से हमारा आएगा, चलेगा। हां जी, सो दीज आर द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, जहां पे अच्छा इसका काम क्या है, कंसल्ट करना, कंसल्टेशन देना। एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी बोर्ड DTAB का काम क्या था, एडवाइस कराना, एडवाइस देना, और इसका काम क्या है, कंसल्टेशन, मिलती जुलती ही है। अल्टीमेटली क्या करेंगे, गवर्नमेंट को किसी भी ड्रग्स से रिलेटेड मैटर में एडवाइस करेंगे और कंसल्ट करेंगे। एनालिटिकल बॉडी में हमने क्या बोला, दो टाइप की लेबोरेटरी, सेंट्रल और स्टेट लेबोरेटरी, और साथ में काम करने वाला गवर्नमेंट एनालिस्ट। जब हमने बोला क्या, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, मतलब यहां से एक बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे DI फार्मासिस्ट, GPAT, कहीं नाइपर, कहीं भी उठा लो, यहां से जरूर क्वेश्चन मिलता है, लेबोरेटरी एंड देयर लोकेशन, उस लेबोरेटरी में होता क्या है और वो लेबोरेटरी लोकेटेड कहां है। चलो सेंट्रल लेबोरेटरी से आपको थोड़ा मैं रूबरू कराता हूं, आपकी डिफरेंट लेबोरेटरी, वैसे सारी तो नहीं दे पाऊंगा यहां पे, लेकिन कुछ मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी आपको मैंने दो बताया, दो तीन बताया मैंने आपको, जैसे आपको बोला क्या, सेंट्रल IVRI इज्जत नगर में, CRI सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहां सेरा वैक्सीन, एंटी सेरा, ये सब होते हैं फॉर द ह्यूमन, और जब वही सारी एनिमल्स यूज के लिए होते हैं तो IVRI। जो हमारे कंडोम्स या मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करेंगे, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चेन्नई की बात करेंगे, वहां पे हमारा ये CDTL हमारा चेन्नई में है। CDTL एक्चुअली देखो, CDTL दो जगह है, हमारा चेन्नई और थाने में। चेन्नई वाले में जो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी है, वहां पे कंडोम्स टेस्ट किए जाते हैं, और जो हमारा थाने यानी मुंबई में है, वहां पे IUD यानी इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस चेक किए जाते हैं। तो IUD क्या बोला, IUD इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस कहां चेक करेंगे, थाने CDTL में, और कंडोम्स कहां टेस्ट किए जाएंगे, CDTL चेन्नई में किए जाएंगे। पोलियोमेलाइटिस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन कहां टेस्ट किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पाश्चर इंस्टीट्यूट। हां जी, पाश्चर इंस्टीट्यूट कहां पे, कुन्नूर। अब कुन्नूर कहां है, अगर ना याद आए तो जरा याद रखना, चलछैया वाला गाना याद होगा, आप सभी ने सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं। हाँ, तो वो जो चलछैया छैया वाला गाना था ना, वो शूट कुन्नूर में ही किया गया था, कुन्नूर की खूबसूरत वादियों में, वही याद रखिएगा। यानी हम बात कर रहे हैं कहां पे, कर्नाटका, तमिलनाडु की तरफ जा रहे हैं, ऊटी के पास में, वहां पे है, वहां पे इसके लेबोरेटरीज है। और इंट्रो वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट मुंबई में भी किया जाता है। ब्लड ग्रुप रिएजेंट, जितने भी HIV वगैरह के टेस्टिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा की बात करेंगे। होम्योपैथिक मेडिसिन, जितनी भी टेस्टिंग होगी वो हमारा होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल फार्माकोपियल लेबोरेटरी गाजियाबाद, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, होम्योपैथिक फार्माकोपियल लेबोरेटरी या फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहां पे है, हमारा गाजियाबाद में है। ओके, लास्ट वेंड्रल डिजीज रेफरेंस लेबोरेटरी, VDRL एंटीजेंस कहां पे, ये हमारे लेबोरेटरी ऑफ द सीरोलॉजिकल एंड केमिकल एग्जामिनेशन के हमारा किया जाता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये हमारी कुछ लेबोरेटरीज हैं, बहुत सारी लेबोरेटरीज अभी बाकी हैं, आप मान के चलो लगभग टोटल आपकी 25 लेबोरेटरीज आती हैं जो आपको मैं कराऊंगा। ओके महेश, यस यस, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, गुड टू सी यू अगेन, आई गॉट एडमिशन इन द पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, डू योर बेस्ट, कीप गोइंग।
सर ऑल ड्रग टेस्ट किए जाते हैं क्या? मींस हर बैच पे? नहीं, हर बैच पे नहीं, हर बैच से एक एक सैंपल लेके टेस्ट किए जाते हैं। वो तो क्यूए होता है, वो तो क्वालिटी एश्योरेंस होता है, वो तो लैब में किया जाता है। लेकिन अगर सपोज कोई पर्सन है, जैसे डीआई है, डीआई कहीं गए और उनको कोई लगा यार कि ये सैंपल खराब है, ये गलत लग रहा है, इसमें कोई गलती लग रही है, तो वो उस सैंपल को उठाएंगे और उस सैंपल को लेके कहाँ दे देंगे? इन लेबोरेटरीज में दे देंगे टेस्ट कराने के लिए। प्राइम का रिवीजन कब होगा? शिव प्रसाद बेटा, अभी तो तुम अपना रिवीजन कर डालो जो मैंने टारगेट दिया है। फॉर्म पे तो अभी आ रहा हूं, थोड़ा रुको तो सही, थोड़ा रुको तो सही। सर क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा? बेटा अभी रुतिजा क्रैश कोर्स नहीं, अभी तो रैंकर स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स अभी कहां से आ गया? चलो, स्टेट लेबोरेटरीज भी बहुत सारी है, इनको आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट एनालिस्ट, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट आर अपॉइंटेड अंडर द सेक्शन। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट का जो अपॉइंटमेंट होता है वो दो टाइप से होता है, एक तो हमारा एलोपैथिक मेडिसिन जो हमारा नॉर्मल होता है, और दूसरा हमारा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द एएसयू सिस्टम। तो जब हमारे नॉर्मल सिस्टम की बात करेंगे, एएसयू सिस्टम की बात करेंगे, तो एएसयू सिस्टम के अंतर्गत अपॉइंटमेंट उसका होता है 33F में, और जब हम बात करेंगे नॉर्मल यानी एलोपैथिक मेडिसिन की बात करेंगे तो सेक्शन 20 में होगा, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, यहीं से थोड़ा सा अंतर करिएगा। अभी हमने क्या बोला, जैसे गवर्नमेंट एनालिस्ट के अपॉइंटमेंट सेक्शन 20 में है, तो यहीं पे जब आप आगे चल के डीआई की बात करोगे तो 21 में हो जाएगा। जो हमारा गवर्नमेंट एनालिस्ट का एएसयू सिस्टम में 33F है, वो हमारा डीआई में जब बात करोगे तो 33G हो जाएगा, बस अंतर इतना है। गवर्नमेंट एनालिस्ट 20, 33F, डीआई 21, 33G, बस इतना याद रखिएगा। प्लीज एडमिट कार्ड्स के बारे में बताइए प्लीज सर। शिवानी अभी एडमिट कार्ड किसका आप देखने लगे? बेटा थोड़ा भी रुक जाओ, अभी मत देखो एडमिट कार्ड, अभी नहीं है। एग्जीक्यूटिव बॉडी, ड्रग इंस्पेक्टर, अभी हमने इसके बारे में बात किया, ड्रग इंस्पेक्टर का जो अपॉइंटमेंट होता है 21, एंड हमने 33G के बारे में बोला। अच्छा हाँ, जीपैट 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डिस्क्राइब अबाउट द पावर ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर, पूछा गया पावर, और मेरे स्टूडेंट्स प्यारे टिक लगा के 21 चले आए। 21 अपॉइंटमेंट है और पावर हमारा 22 में है, तो जरा इसको जरा याद करके चलिएगा। पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर कम्स अंडर द सेक्शन 22, अपॉइंटमेंट कम्स अंडर द 21। हाँ जी, थोड़ा सा इसका कंफ्यूजन मत रखिएगा, इसको अलग करके चलिएगा। नेक्स्ट हमारे आते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, लाइसेंस देते हैं। कस्टम कलेक्टर, ये भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये हमारे कोई भी पैकेज, जो भी कस्टम, चाहे वो पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, वहां पे ये क्या करते हैं, इनको चेक करते हैं, करेक्ट है। चलो अब आता है फॉर्म्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ द ड्रग्स, पढ़ने का मन है, फॉर्म्स पढ़ने का इच्छा है, बोलो ट्रिक। हाँ सर, ट्रिक के साथ ही सर पढ़ाएंगे फॉर्म। 21 अपॉइंटमेंट, 22 पावर, एग्जैक्टली। चलिए असली चीज अब आ रही है, काफी देर से स्टूडेंट्स परेशान थे और काफी बार बच्चों ने इसके बारे में बोला कि सर फॉर्म नहीं याद हो रहे हैं। फॉर्म हमारे तीन टाइप के होने वाले हैं, पहला इंपोर्ट, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, और तीसरा हमारा सेल। तो इंपोर्ट का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग का अलग है, और सेल का अलग है। ओके, पहले इंपोर्ट की बात करें। अब इंपोर्ट पे जाने से पहले जरा एक चीज समझ लीजिए, हमारी जो ड्रग होती है ना, इनको मेनली हम तीन से चार क्लासेस में डिस्क्राइब करते हैं। एक कहलाता है ड्रग C1 एक्सक्लूडिंग X, एक ये कहलाता है, एक C अदर देन C1X, और तीसरा हमारा आता है शेड्यूल X। इन तीनों का मतलब क्या है? वो सेट ड्रग, ऑल दोज ड्रग विच कम्स अंडर द CC1 लेकिन एक्स क्लास की नहीं है। नेक्स्ट, अदर देन CC1X, उन दवाओं के बारे में बात हो रही है जो ना तो शेड्यूल C की है, ना C1 की है, ना ही आपकी X की है,
और थर्ड हमारा आता है द ड्रग्स विच कम्स अंडर द एक्स, जो हमारे शेड्यूल एक्स के लिए हैं। तो इसी तीन चैप्टर्स में मेनली हमारी सारे फॉर्म लाइसेंस डिवाइड हो जाते हैं और उसी की बात करने वाले हैं। तो पहला हमने क्या बोला, इंपोर्ट। अब इंपोर्ट करने के लिए हमने अभी आपसे बोला कि मेनली आपकी तीन टाइप के कंडीशंस होने वाले हैं। क्या क्या? ड्रग स्पेसिफाइड इन CC1, यहां पे आप लिख लीजिए एक्सक्लूडिंग एक्स, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स, और नेक्स्ट हमारा आता है क्या, इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर टेस्टिंग, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग फॉर द पर्सनल यूज। जाने दीजिए इनकी कहानी, इनमें आपको खाली शुरू के दो याद करना है। अगर बात हो रही है कि या तो आप शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग के इंपोर्ट करने जा रहे हो, और अगर शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग को इंपोर्ट करना है तो आपको 8A एप्लीकेशन देना है और 10A में आपको लाइसेंस मिलेगा। तो मैंने अभी क्या बोला, फॉर शेड्यूल CC1 आपको 8-10, एक्स के लिए 8A 10A, टेस्टिंग के लिए 11 एंड पर्सनल यूज के लिए 12A 12B। बोले तो जरा आप ट्रिक पे आओ, असली कहानी तो यहां है। क्या हमने बोला, मान लीजिए एक क्लास हो रहा था और वहां पे बोला गया क्लास टेस्ट कराना है, दो बैच थे सेक्शन सी और C1। तो सी और C1 में जो टेस्टिंग कराने क्लास टेस्ट की बात हुई, वहां पे आपको डेट दिया गया कि 8 और 10 तारीख को आपका टेस्ट होगा। तो हमने क्या बोला, और ये जो 8-10 को आप उसका एप्लीकेशन दोगे, और 8 को आप एप्लीकेशन दोगे और 10 को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एग्जाम के लिए। तो सेम वही है, हमने क्या बोला, सुनो इसको समझ कैसे रखोगे, कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर द ड्रग कम्स अंडर द CC1 के लिए हमारा जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है वो 8 है, और जो लाइसेंस मिल रहा है यानी एडमिट कार्ड मिल रहा है वो 10 है। तो क्या बोला 8 में एप्लीकेशन, 10 में लाइसेंस, किसके लिए, CC1, क्लास सी और C1 का जो क्लास टेस्ट होना था। अब दूसरा हमने क्या बोला कि जो स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होंगे उनको 8A एप्लीकेशन देना पड़ेगा और उनका एग्जाम जो है वो 10A में होगा, मींस शेड्यूल एक्स, एक्स डेंजर वाले जो बच्चे होते हैं ना उनका अलग ही रुतबा होता है। तो हमने क्या बोला, जो सब्जेक्ट का नाम जो एक्स है उसका आंसर आपका 8A में एप्लीकेशन होगा और 10A में उसका एडमिट कार्ड होगा। बस इतना ही तो याद रखना है। अब पर्सनल यूज है तो यानी प्रैक्टिकल टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के लिए 11 तारीख को होगा और पर्सनल यूज आप उसको कब कर सकते हो, 12। तो मैंने इसमें आपको सिंपल क्या याद कराया, जरा मेरे तरीके से याद करो, मैंने आपसे क्या बोला कि जो आपका CC1 ड्रग है, C and C1, उसके लिए आप एप्लीकेशन दोगे 8 और लाइसेंस मिलेगा 10, जो आपकी शेड्यूल एक्स है उसके लिए एप्लीकेशन दोगे 8A और लाइसेंस मिलेगा 10A, जो आपकी टेस्टिंग के लिए यूज होने वाला है उसमें आप एप्लीकेशन छोड़ दीजिए, वहां पे आपका लाइसेंस की बात करोगे और लाइसेंस आपका हो जाएगा क्या, 11, और जो आपका पर्सनल यूज है वो आपका 12 है, सबसे बाद में आएगा। करेक्ट है, बस इतना ही याद रखना है। इंपोर्ट की बात आ रही है, अब बात आ रही है सेल की। सेल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार पूछा गया है, बस इसके लिए आप इतना याद रखो कि अगर बात हो रही है CC1X अदर देन CC1X, 2023 बैच या 24 बैच, नहीं मार्गदर्शन सीरीज आपका 24 बैच के लिए डेमो चल रहा है, बाकी कंटेंट है तो आपके 23 में भी इंपॉर्टेंट ही होगा, वो यूजफुल ही रहेगा। ओके, हमने क्या बात किया कि अगर तीन ही क्लास हो रही है, अदर देन CC1X फॉर द शेड्यूल CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स एंड फॉर द शेड्यूल एक्स, तीन ही कहानी अभी लेके चल रहे हैं। अब इनमें क्या बोलोगे कि जब हमने बोला अदर देन CC1X तो याद रखोगे यहां पे 20, CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स तो 21, और जब x की बात होगी तो 21F and G। इसका मतलब सर क्या है, आओ जरा बात करते हैं रिटेल और होलसेल के अकॉर्डिंग। हां जी बिल्कुल परेशान मत हो। पहले एक चीज याद रखो, क्या हम बोलने वाले हैं कि अगर बी वर्ड लगा है, बी लगाओगे, नहीं लगा है तो रिटेल है, लग गया बी
तो होलसेल है, यानी बी मतलब बड़ा, और अगर कहीं डबल बी लगा है यानी बहुत बड़ा, और बहुत बड़ा यानी गाड़ी ट्रक मोटर व्हीकल से कोई चीज मूव की जा रही है तो वहां पे डबल बी देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ये इतना याद रखोगे, बी मतलब होलसेल और डबल बी मतलब मोटर व्हीकल, और बाकी सारी कहानी यही है। चलो सर कैसे, आओ देखते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फॉर द रिटेल सेल, रुकना, रिटेल सेल के लिए अगर मैं आपसे बनवाऊं और क्या बोलूं, तीन चीजें, क्या बोला, अदर देन सी सी वन एक्स, दूसरा सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स, और तीसरा एक्स, इन्हीं तीन चीजों में लो, क्या बनाओगे? अदर देन सी सी वन एक्स रिटेल में होगा 20, सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स में 21, और एक्स के लिए होगा 21F, 21F, कैसे? अभी इसको भी याद कर लोगे, थोड़ा रुकना मेरे साथ। दूसरा हमने क्या बोला, दूसरा हमने क्या बोला कि जो हमारा होलसेल है इसी कहानी में ऐड कर दो, यहां पे ऐड कर दो 20B, और सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए होलसेल में 21B, और शेड्यूल एक्स के लिए होलसेल हो जाएगा 21G। सर इसको कैसे याद रखेंगे? सुनो, ये तो कॉमन है, 20 से 20B होलसेल है तो B लगा दिया, 21 में B लगा के होलसेल बना दिया, यहां पे अंतर है। अच्छा, रिटेल सेल कौन खोलता है भाई? अगर सपोज आज आप कोई सेल, कोई दुकान खोलोगे तो आप रिटेल खोलोगे, लेकिन अगर ग्रैंडफादर ने कोई खोली होगी तो आज वो रिटेल नहीं होगी, वो क्या हो गई होगी, वो हमारी बन चुकी होगी होलसेल बन चुकी होगी। मतलब कि अगर फादर है तो फादर खोलेंगे रिटेल सेल 21F, और जो ग्रैंडफादर है वो क्या खोलेंगे, होलसेल खोलेंगे। तो 21F फॉर द रिटेल सेल एक्स क्लास, एंड 21G फॉर द एक्स होलसेल। सिंपल है। अब अगर सपोज आपसे यही पूछ लिया जाए कि मोटर व्हीकल का, तो कुछ मत करना। हां जी, मोटर व्हीकल में ज्यादा कुछ मत करना, बस इसी को बदल देना। अगर बी, इसी को डबल बी लगा दो, 20BB 21BB, बोले एक्स के लिए, माफ करना, कहां 22 लिखा हूं बेटा, 22 तो कहीं नहीं लिखा, आओ आओ आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन है, इधर आ जाओ, फिर से एक बार देखते हैं। हमने क्या बोला, देखो, रिटेल के लिए अदर देन CC1X 20, CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स 21, और शेड्यूल एक्स के लिए फादर लगा के हमने 20F बनाया, 20F बनाया, अच्छा मैंने 21 नहीं, 20F, ठीक है। नेक्स्ट हमने होलसेल के लिए बात किया, और होलसेल में क्या आया, 20 फॉर द, यहां पे होलसेल में खाली ऐड करो बी, केवल बी ऐड कर दो, तो अदर देन CC1X के लिए 20B, CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए 21B, और शेड्यूल एक्स के लिए 20G हो जाएगा। F रिटेल, फादर ग्रैंडफादर, होलसेल ओपन करेंगे। सर आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, बी फॉर्म एम फॉर्म PhD, ये मेरा क्वालिफिकेशन है, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, सॉरी, चलो आ जाओ, तो ये 20G हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला, अगर मोटर व्हीकल पे चलना है तो क्या करो, केवल एक बी ऐड कर दो, लेकिन एक्स क्लास की ड्रग को आप मोटर व्हीकल से नहीं कर सकते सेल, तो इसलिए एक्स क्लास की ड्रग को मोटर व्हीकल में नहीं ले जाएंगे, बस बात खत्म हो गया। यही तो हमारी ड्रग है, यही तो हमारे डिफरेंट फॉर्म से, या डिफरेंट फॉर्म है, रिटेल सेल होलसेल दोनों तो हो गए। कितना टफ है, एक बार लिखो तो सही। आप लोग क्या है ना, लिखने की कोशिश नहीं करते, मैं बार बार बोलता हूं, जो चीजें कभी समझ में ना आए, मींस कभी आपको अगर याद ना हो, तो उनको लिख डालो, और लिख के एक पर्ची बना के पॉकेट में रख लो, और पूरे दिन उस पर्ची का यूज करो। जब भी आपको थोड़ा बहुत काम आए, थोड़ा बहुत खाली हो, उस पर्ची को निकालो, एक बार देखो, और उसके आंसर अपने निकाल लो। तो हमने क्या बोला,
फॉर्म नंबर 19 ये हमारे एप्लीकेशन के लिए रिक्वायरमेंट होता है और चाहे हमारे जिसके लिए भी यहां पे आएगा। नेक्स्ट फॉर्म्स फॉर सेल, वही मैंने आपको पहले बोला उसी कहानी यहां पे है। नाउ द नेक्स्ट आता है फॉर्म फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, ये स्क्रीनशॉट एक बार ले लोगे, इसको कभी क्लास में जब मैं करूंगा तब वहां पे इसके बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही सफिशियंट है। चलिए कुछ क्वेश्चंस आपसे ले लिया जाए, उन क्वेश्चंस को करते हैं। सर कंफ्यूज हो रहे हैं? नहीं बेटा, आपका जीपैट मार्क कितना था, किस ईयर का बताऊं, थर्ड ईयर वाला, फोर्थ ईयर वाला, एमफॉर्म वाला, किस ईयर का जानना चाहते हो? ओके, चलिए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। आ जाओ, व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वाज पास्ड, कब आया था जल्दी बोलो, एक्ट डीएनसी का कब आया, 19, एक्ट की बात हो रही है तो 1940, कोई डाउट ही नहीं है, 10th अप्रैल 1940 आपको याद होगा, गुड। चलिए जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, व्हाट डज शेड्यूल एस कंटेन, और एस में हमारा क्या आया था, स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स, एस में हमने क्या बात किया था, सुंदरता, यानी एस फॉर स्टैंडर्ड फॉर द कॉस्मेटिक्स हमारे यहां पे आ जाते हैं। हां जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन मेड इन द फॉर्म ऑफ द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड सी वन, सर जीपैट एग्जाम कितनी बार दे सकते हैं, जब तक आपका मर्जी हो देते रहिए। आइए, एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म नंबर, सॉरी फॉर्म फॉर द ड्रग स्पेसिफाइड इन टू द शेड्यूल सी सी वन, सी सी वन के लिए जो आप एप्लीकेशन दोगे किस फॉर्म में दोगे, एप्लीकेशन किस में दोगे, किस चीज का एप्लीकेशन, मैन्युफैक्चरिंग का है, सेल का है, अच्छा अब यहां पे थोड़ा एक्चुअली कंफ्यूजन है, एप्लीकेशन मेड इन फॉर्म फॉर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक शेड्यूल, अगर ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा तो अलग हो जाएगा, हमारा सेल के लिए होगा अलग होगा, इंपोर्ट के लिए होगा तो अलग होगा, जो 8 आप बोल रहे हो वो इंपोर्ट के लिए है, तो अगर यहां पे 8 है तो हां आप इंपोर्ट की कहानी यहां पे लेके चल रहे हो तो 8 सही है, ठीक है, लेकिन अगर यही हमारा सेल के लिए होता तो बदल जाता, तब हम सी सी वन एक्सक्लूडिंग एक्स के लिए क्या बोलते, 21 बोलते, चलेगा, बात समझ में आ रही है? हां जी, नेक्स्ट, हाउ मेनी एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आर देयर इन डीटीएबी, कितने मेंबर्स हैं डीटीएबी में जल्दी आप बता सकते हो, 5, 5, 8, यानी टोटल 18 मेंबर्स यहां पे हमारे हैं, करेक्ट है, सो एक्स ऑफिशियो की बात हो रही है तो हमारे 8 मेंबर्स यहां पे, केवल एक्स ऑफिशियो पूछा गया है तब 8। एंटीसीरा वैक्सीन टॉक्साइड एंड डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर द वेटनरी यूज आर कैरिड आउट एट विच लैब, क्या देखने को मिल रहा है, वेटनरी लैब, और वेटनरी से याद आएगा आईवीआरआई, क्या याद आएगा, आईवीआरआई याद आएगा, करेक्ट, हमारा यहां पे आईवीआरआई आएगा, तो वेटनरी इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईवीआरआई, इज्जत नगर मुक्तेश्वर में हमारा ये है। हां जी हां जी, चलिए आइए, तो आज की क्लास यहीं तक, ये है आज का हमारा मार्गदर्शन क्लास फॉर द ज्यूरिस्प्रूडेंस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, कल आपको 12 बजे इसी सब्जेक्ट का डीपीपी आपको देना है, इस टेस्ट में जरूर दीजिएगा, और उसके ज्वाइन करने के लिए सिंपल प्ले स्टोर से जीडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है, बैचेस सेक्शन पे आप जाओगे, प्लस के साइन पे कोड डालना है डेमो डीपीपी, आज जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है इसी टॉपिक का कल आपको डीपीपी वहां पे 15-20 क्वेश्चंस का आपको मिलेगा, उसको जरूर सॉल्व करिएगा। सो आई होप आज की क्लास से कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा, कल यानी हम बात करें हमारा 29 जनवरी को ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्लास होगी और डॉक्टर सुप्रीत जैन सर लेंगे, तो जरूर जुड़िएगा रात 9 बजे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू ऑल, गुड नाइट, सो फॉर द टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट बैच में, थैंक यू ऑल।